सो हेलो फ्रेंड्स, आज लोग कैसे हो। आज की इस वीडियो में तुमसे दोबारा से मिल चुका हूँ। एंड गाइस, आज हम दोबारा से खेल रहे हैं भाई माइनक्राफ्ट हार्डकोर। एंड गाइस, मैं सोच रहा था कि अभी मैं फिलहाल अपने हार्डकोर में क्या कर सकता हूँ। एंड फिर मुझे आइडिया आया, व्हाट अबाउट अ स्विमिंग पूल। यानी सुनने में तो अच्छा लगता है ना, तो फिर मैंने सोचा बनाते हैं, उसमें क्या है ना। तो फिर इसी वजह से गाइस, आज हम बनाने वाला स्विमिंग पूल अपना हार्डकोर वर्ल्ड में। एंड गाइस, तो सबसे पहले हमारे पास दो चॉइसेस हैं, एक फालतू सा बेकार सा स्विमिंग पूल, या फिर कोई अच्छा सा हाईटेक सा, मतलब हाईटेक का मतलब वो नहीं, मतलब कोई बिल्कुल बहुत अच्छा स्विमिंग पूल। तो तुम तो ऑब्वियसली हाईटेक चूज़ करोगे ना, तो मैंने भी वही सोचा कि मैं पिस्टन्स बना सकता हूँ, क्योंकि मुझे विच को मार के रेड स्टोन मिला है। एक सेकंड ब्रो, ए वेज पिस्टन बाय द वे, पिस्टन यो यो पिस्टन, कहाँ पर है भाई तू? पिस्टन पिस्टन, ये रहा पिस्टन। बट गाइस, उसके लिए हमें आयरन चाहिए अनफॉर्चुनेटली, जो कि ऑब्वियसली गाइस मैं नहीं देने वाला। तो हम एक फालतू सा बेकार से ही बनाएंगे। एक सेकंड आल, एक सेकेंड, स्टिकी पिस्टन कैसे बनता है? ओ अच्छा, उसके लिए ओब्वियसली ब्रो, ओब्वियसली। एंड गाइस, तो फिर गाइस हम एक फालतू सा ही स्विमिंग पूल बना लेंगे, कोई बात नहीं, उसकी कोई चिंता नहीं है। यानी गाइस, वैसे भी हमें कभी ज़रूरत तो नहीं है स्विमिंग पूल की, क्योंकि माइनक्राफ्ट में हम क्या ही करेंगे स्विमिंग पूल का, राइट? हाँ गाइस, राइट, दैट्स राइट एक्चुअली। एक सेकेंड, वाटर ओके, बकेट है, वाटर बकेट नहीं है अभी फ़िलहाल, अभी बनाते हैं ना इसको वाटर बकेट पानी लेके। एंड अभी फ़िलहाल गाइस, हम अपना स्विमिंग पूल बिल्ड करना स्टार्ट करते हैं, क्योंकि मैंने यहाँ 64 कोबल स्टोन्स लिए हैं अपना एक छोटा सा स्विमिंग पूल बिल्ड करने के लिए। एंड आई एम थिंकिंग अबाउट कि मैं इसको अपने डॉग हाउस के पास बनाऊँ। एंड अभी फ़िलहाल रात हो रही है, चलो गाइस, तो फिर मैं मिलता हूँ तुमसे सोने के बाद, क्योंकि अभी रात होने फिर भी थोड़ा टाइम है। चलो मैं तुमसे मिलता हूँ सोने के बाद। तो ऐसे गाइस, अभी सुबह हो चुकी है। एंड गाइस, बाय द वे, मैं 2-3 मिनट के लिए AFK भी चला गया था। एंड बाय द वे, ओके, सुबह ही हुई है अभी तक सिर्फ। एंड अभी फ़िलहाल ये अपने वॉन्डरिंग ट्रेलर, पता नहीं भाई साहब जी यहाँ पर क्या कर रहे हो भाई, तेरे लामा कहाँ है पहले तो ये बता। तो फिर सबसे पहले गाइस, हम थोड़ा सा एरिया को क्लियर कर देते हैं। कम ऑन, ओके, ये रही भाई पिकैक्स, मैं पिकैक्स के लिए ढूंढ रहा। एंड तो फिर गाइस, हमें अब एरिया क्लीन करना पड़ेगा फ्रॉम हियर। ओके, सवल सवल, हो यस, ये रही सवल। अभी मुझे स्टोन्स की ज़रूरत नहीं है, एक सेकंड। कहाँ से क्लीन कर, यहाँ से करें या उस ब्लॉक से करें? इस ब्लॉक से करते हैं, यहाँ से इतना एरिया, मतलब थोड़ा सा ज़्यादा करना पड़ेगा हमें, बस थोड़ा सा ज़्यादा, लाइक दिस। इतना एरिया हमें क्लीन करना पड़ेगा, यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा क्लीन हो ही रखा है पहले ही। एंड गाइस, मैं तुम्हें बताता हूँ कि वहाँ से हमें कितनी लेयर रिमूव करनी है इसकी। ओके, नहीं जी, ये तो ज़्यादा ही हो जाएगा ना, इतना बड़ा नहीं बनाना है यार, अपना डॉग हाउस से इधर होना चाहिए, इतना तो मुझे पता है। एक सेकेंड, इधर इधर से करते हैं। एंड गाइस, बाय द वे, हमें ये यहाँ से इतना एरिया यहाँ पर क्लीन करना, ये देखो ये वाला। हाँ, तो सबसे पहले यहाँ से ग्रेवल उठा लेते हैं सारी की सारी जितनी भी है। फ्लिंट मिल गया, लेट्स गो, एक और फ्लिंट, यो अलग चमक रहा है, मतलब एक और फ्लिंट भाई। 0.01% चांसेस होते हैं वैसे तो, मतलब होते नहीं हैं, 0.01 नहीं होते हैं, बट मेरे लिए होते हैं, आई डोंट नो वाई भाई, इतनी ज़्यादा रेयरली मिलती है ना ग्रेवल जब जरूरत पड़ती है, और जब जरूरत नहीं होती तब तब मिलती रहती है फ्लिंट, पता नहीं क्या है यार ये। चलो गाइस, बाय द वे, मैं तुम्हें मिलता हूँ ये काम करने के बाद। तो बाय द वे गाइस, अभी फ़िलहाल मैंने यहाँ का एरिया क्लियर कर लिया, एंड मैंने कोड लेयर क्लियर किया बाय चांस। एंड फ़िलहाल गाइस, मुझे पता चला कि ये अच्छी जगह नहीं है स्विमिंग पूल बनाने के लिए, ये थी अच्छी जगह यानी अपने डॉग हाउस के यहाँ पे। बट गाइस, अब हमने एरिया क्लियर कर ही लिया है, तो अब क्या ही
चलो अब हम वैसे काम पे ही लगते हैं। एंड अभी फ़िलहाल हम अपना स्विमिंग पूल बस एक लेयर का बनाएंगे। एंड गाइस हम ज़्यादातर उसको स्क्वायर बनाएंगे, यानी तुम्हें पता है रेक्टेंगल स्विमिंग पूल, मुझे भी पता है कि रेक्टेंगल स्विमिंग पूल अच्छे लगते हैं, बट फिर भी हम स्क्वायर बनाएंगे या फिर कोशिश करेंगे थोड़ी बहुत ही कि रेक्टेंगल भी बन ही जाए। ओके ये देखो, ओ रेक्टेंगल ही बन रहा है, मुझे लगा था कि स्क्वायर, मतलब ओब्वियसली यार, मुझे सच में लगा यार, क्या कर सकता हूँ मैं। ये देखो, वी विल नॉट खींच इट टू ज़्यादा ही बोड़ा। ये देखो जो मैंने यहाँ पर कर दिया, दिस विल बी ब्रो, ये अपना स्विमिंग पूल होएगा। अभी पिकक्स अब टूट जा, चलो कोई बात नहीं। एंड अभी फ़िलहाल लेट्स गो अवे यार, स्लैब्स क्यों ले रहे हैं। एंड अभी फ़िलहाल हमें ये वाटर बकेट चाहिए, इसको फिल करते हैं इस पूरे स्विमिंग पूल को फटाफट से, एंड देन अपना रेडी हो जाएगा। यानी मैं बस ज़्यादा कुछ, मतलब ज़्यादा बड़ा ऐसा कुछ नहीं करने की कोशिश कर रहा इसी वजह से। ओके अभी फ़िलहाल हमें उसको धीरे धीरे करना पड़ेगा, शुक्र है रिवर पास में ही है वैसे तो। हियर एंड लेट्स गो गाइस अगेन, हाँ, देयर वी गो। एंड गाइस हम हमेशा वो वाला वाटर सोर्स बनाते हैं ना, इस बार हम दूसरा बनाएंगे। एक सेकेंड, हे वेयर इज आर ब्लॉक्स, हियर वी गो। एंड यो ब्रो ब्रो ब्रो, ब्लॉक द वाटर नाउ, फॉर नाउ फॉर नाउ फॉर नाउ। नहीं भाई ये वाला नहीं, इस बार हम बनाएंगे, ये पिकैक्स ब्रेक होने वाली है ये तो। इस बार हम 4x4 वाला बनाएंगे, इधर आ जा। एंड डैम दिस इज़ आर इंफिनिट वाटर सोर्स। पता है क्या गाइस, हम चाहे इसमें से कहीं से भी ले लें, ये हमेशा हमें देगा उसमें से ना। पता है क्या है कि ना, ओ भाई यार, ओके आ जा। उसमें से पता है क्या है कि ना, हम कहीं अपनी मर्जी से नहीं ले सकते, यानी हमें उसमें से बीच में से ही लेना पड़ेगा ताकि वो इन्फिनिट रहे। एंड बाय द वे भाई रात भी होने वाली है, भाई सोने का तो टाइम हो चुका है। बाय द वे काम करते हैं, यहाँ पर फंड डाल के अपने घर में फटाफट से चलते हैं। ओके फटाफट से चलो, रन फ्रॉम हियर ब्रो। ओके 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 ओके, बाइंग गन बाइंग। ओके खाले खाले खाले, थोड़ा सा यार, एक तो रात होगी क्या? ऑब्वियसली नो ही, कम ऑन ब्रो, आर यू किडिंग लिटरली। सो गुड नाइट एंड गुड मॉर्निंग, सुबह हो चुकी है। एंड 13 का अपना हंगर बचा है, 13 सेकेंड्स का, फटाफट से ये ख़त्म होगा फिर हम जाएंगे। एंड बाय द वे गाइस, अभी फ़िलहाल 1 सेकेंड, हाँ ठीक है, अभी फ़िलहाल हम फटाफट से अपने स्विमिंग पूल बनाते हैं। बाय द वे हंगर ख़त्म हो चुका है, बट मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता अगर वो रहता भी। एंड डैम फटाफट से इसको बनाते हैं, मैं इतना भी आलसी नहीं हूँ कि इसको ढंग से भरूंगा नहीं, चाहे मेरे पास इन्फिनिट वाटर सोर्स है। आ जा भाई आ जा, हाजी आ जा, फटाफट आ जा। ओह अच्छा, यहाँ पर तो बन गया ना इन्फिनिट। ओके ओके ब्रो डेट्स गुड, हमारे पास वहाँ पर बन चुका है इन्फिनिट। यस यप, आ वापस यहाँ पे। ओके ओके ओके, हो गया हो गया। ओके वहाँ का रह गया बस थोड़ा सा, इसको तो हम अभी कर देते हैं। ये देखो यो कितना सेटिस्फाइंग है, वो इन्फिनिट बनता ही है। हो गया भाई इन्फिनिट, हो गया सारी जमा से उसका। एंड अभी फ़िलहाल हम इसको भी तोड़ सकते हैं, अब वैसे स्टोन पे सब टूटने वाली है गाइस, ये खबर नहीं है, टूट गई भाई लास्ट स्टोन पे। ओके मैं नई स्टोन पे वैसे बनानी ही पड़ेगी हमें, क्योंकि बहुत सारे वर्क होते हैं स्टोन के, स्टोन को तोड़ने के, इसी वजह से। ओके अच्छा ना, पिकैक्स इज रेडी, आवर न्यू पिकैक्स, लेट्स गो ब्रो। एंड ना तू टूट जा, डैम हो गया। अब हमारे पास स्विमिंग पूल है एक फाइनली, और जो इन्फिनिटी है, अच्छी बात है। एंड गाइस तुमने क्या सोचा कि मैं बस यहाँ पर ही ख़त्म कर दूँगा, मतलब ऑब्वियसली, बट थोड़ा सा यानी डेकोरेटिव पोर पोसीज के लिए
हम यहाँ से थोड़े से वो जिसे जंप नहीं करते ऐसे करके जंप करते हैं, हम यहाँ पर बनाएंगे। ओके इट्स नॉट लुकिंग टू गुड बाय द वे लाइक दिस, इट्स आल्सो नॉट गुड लुकिंग टू गुड बाय द वे। बट गाइस मैं एक और बार सोच रहा हूँ हम थोड़ा सा और अच्छा बना सकते हैं अपने पूल पर। यहाँ लग तू टूट इधर इधर से, मैंने बोला था ना स्टोन पिकैक्स के अभी भी काम है और आगे भी है काम तो उसका। एंड हियर एंड अभी फिलहाल गाइस ओके नहीं 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 ये नहीं वर्क कर रहा, नोप। एंड अभी फिलहाल फिर हम कैसे कर सकते हैं ये यप 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 ऐसा होगा ऐसे होगा यप। एंड अभी हम इसको तो तोड़ ही सकते हैं ना, हाँ ये वाटर फ्लो ऐसे ही रहेगा, डैट्स गुड एक्चुअली। ओके ओके फटाफट से इसको तोड़ देते हैं एंड यहाँ से पानी लेते हैं थोड़ा सा। एंड यहाँ पे एक स्टोन, इसको तोड़ो इसको लगाओ भाई और इसको भी। अरे भाई मैंने पिकैक्स भी फेंक दी, मैंने बो कब इक्विप करी है भाई यार, पिकैक्स कहाँ है मेरी, हाँ ये री। फटाफट से अब हम इसको भी तोड़ देते हैं, अरे यार हद होती है। एंड अभी फ़िलहाल हम यहाँ पर पानी डाल देते हैं एंड देयर वी गो हो गया। एंड अभी हमारे पास चारों कोनों से पानी आ रहे हैं, यानी अगर मुझे स्विम करना हो यहाँ पे ऐसे करके मैं जस्ट रन कर सकता हूँ। एंड डैम मैं ऐसे कर सकता हूँ इस पानी में, यही मुझे अच्छी बात है। एंड हम यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ एक डाइव मारने का वाला बनाएंगे। एंड गाइस हमें वो कहीं ढंग की जगह पर बनाना होगा जहाँ पर हमने कुछ बिल्ड नहीं किया हुआ, एंड वो ढंग की जगह है उधर, तुमने देखी ना वो वाली जगह इधर भाई उधर, ये देखो ये वाली। एंड अभी फ़िलहाल हमें लेट्स स्टार्ट बिल्डिंग 1 2 3 4 5 6 7। ओ भाई नीचे से भी तो लेना है, एक साथ ही ले लेते हैं ना, फिर बार बार नीचे जाने की और डैमेज खाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। 8 9 10 यप या फिर नहीं है, अबे यार बना देना भाई, मैं भी ना बना देता हूँ ना सीधा का सीधा, मुझे नहीं ऐसे क्या फ़र्क पड़ता है यहाँ पर ये ऐसे। एंड गाइस अभी हमें इसको ऊपर चढ़ने का भी कोई जुगाड़ करना पड़ेगा, एंड ओबियसली वो जुगाड़ हो सकता है लैडर, है ना, यप लैडर ही है। एंड अभी फ़िलहाल एक प्रो स्विमर स्विम डाइव मारने जा रहा है, हाँ बहुत ही ज़्यादा खामोश माहौल बन चुका है, बहुत ही ज़्यादा। क्या वो डाइव मार पाएंगे अच्छे से, क्या वो अपने हार्डकोर वर्ल्ड को बचा पाएंगे, क्योंकि अगर मैं यहाँ से गिरा ना मैं मरा हूँ भाई, मैं जिंदा नहीं बचूँगा अगर मैं यहाँ से गिरा। क्या वो अपने हार्डकोर वर्ल्ड को बचा पाएंगे, सो लेट्स गो, बचा लिया हार्डकोर कितने नाटक हैं। ओके अभी फ़िलहाल हम लैडर्स का भी इंतजाम करते हैं फटाफट से। ओके फटाफट से क्राफ्टिंग टेबल्स, वेयर आर यू, हियर आर यू। एंड अभी फ़िलहाल हम किस चीज़ का इंतजाम करना था, क्राफ्टिंग टेबल बता देना, हाँ लैडर्स का। ओके हमें मच मोर वुड चाहिए होगी, अरे वो तो मेरे पास भोर भोर की पड़ी है ऑब्वियसली यार। बिच वुड बिच कहाँ है बिच, अरे बिच कहाँ है, एक तो इतनी फालतू वुड है बिच, एक तो मिल भी नहीं रही। अगर हम ओक वुड और बिच वुड का लैडर्स बनाते तो वो बिल्कुल सेम लगता है ना, इसी वजह से। अरे बंद हो जाना। ओके यहाँ पर हो सकती है, देयर वी गो 25, दैट्स अ लोड मच मोर। एंड अभी फ़िलहाल हमें 99 प्लस बिच प्लैंक्स, ओके बाय द वे 64 इज़ इनफ, और हमें भाई बस स्टिक्स ही तो बनानी है और हमें क्या ही करना है, ये देखो सिर्फ और सिर्फ स्टिक्स। अरे भाई 64 से इतनी बन जाती हैं क्या, एक स्टैक्स ऊपर हो गया भाई स्टिक्स तुमको। ओके फटाफट से लैडर बनाते हैं, वैसे लैडर
इतनी भी नहीं चाहिए मुझे, कहाँ पर है लेटर्स, देयर वी गो, 34 इज इनफ, मोर देन इनफ, 100 युद्ध से। एंड बाय द वे मैं यहाँ से बकेट कलेक्ट कर लेता हूँ एंड फटाफट से यहाँ पर लगाना स्टार्ट करते हैं। हियर, यो आई डोंट थिंक सो गाइस, नाउ इट्स इनफ, नो इट भाई इनफ। यो इधर आ जा, ओके, आ जा, पहले नीचे उतर जा थोड़ा सा एंड दोबारा ऊपर चार एंड डैम बैलेंस बना के रख, यप, हियर नहीं लगा पा रहा, ओके क्राउच हो जा, नहीं लगा पा रहा, हियर थोड़ा सा नीचे, थोड़ा सा ऊपर, लगा दिया, यप, और लगा, यहाँ लगा, यहाँ, यप, उधर, यस, लेट्स गो, फाइनली लगा दिया ना, हिला डाला ना, ओके। एंड गाइस बाय द वे अभी फ़िलहाल थोड़ा सा मैं रिस्क नहीं लेना चाहता, इसी वजह से मैं यहाँ पर एक वाटर सोर्स बना रहा हूँ, मतलब वाटर सोर्स नहीं बना रहा, यहाँ पर थोड़ा सा जंगा सा बना रहा हूँ, जहाँ पर अगर मैं गिरा तो बच के जाऊँ, ठीक है, वहाँ पर ऐसे करके, मान लो मैं ऐसे गिर गया, मैं तो इस स्टोन पे गिर रहा हूँ, पर ये थोड़ी ना बता सकते हैं, बट कोई बात नहीं गाइस, फिर भी यहाँ पे, अरे आ जाना, एंड डैम हो गया भाई, ओके डैम हो गया। एंड एक सेकंड मुझे एक बार सोचने दो, अगर मैं ऐसे भी ये प्रोसेस सारी जगह रिपीट करूँ तो क्या होगा, नो ब्रो वो अच्छा नहीं दिखेगा, यानी इतना जो मैं सोच रहा हूँ, तो दिस इज़ गुड बाय द वे। एंड इफ़ मैं यहाँ से ऐसे करके कभी कभी मैं करता हूँ, अगर मैं ऐसे गिर गया तो एटलीस्ट मेरा हार्ड कोर वर्ल्ड बच जाए। वी नीड टू एड 3 or 2 or 3 मोर लेयर्स इन इट, ताकि मैं बच जूँ, अगर मैं ऐसी सी चीज़ें करूँ तो फिर मुझे डर नहीं रहेगा ना, मतलब डर ही नहीं रहेगा कि मेरा हार्ड कोर वर्ल्ड भी जा रहा है। और वैसे भी गाइस मैं तुम्हें पता है मैं एमएलजी में इतना अच्छा नहीं हूँ, मतलब ख़राब हूँ, मतलब बहुत ज़्यादा, बट फिर भी देयर वी गो हो गया। एंड अब तो भाई साहब कोई नहीं रोक सकता मुझे बचने से, मरने से नहीं बचने से, ओके, ये ग्रेवल है कोई बात नहीं। एंड हुआ रात भी होने वाली है, एंड डैम हो गया, चलो से चलते हैं। चलो गाइस आज का स्नान पूरा हुआ, कल का करेंगे फटाफट से, रन, अरे चलना, ओके, अगेन, ओके हो गया, वी आर हियर, हाँ ब्लै, कम ऑन ब्रो सोने दो ना मुझे यार, तुम्हें क्या प्रॉब्लम होती है गाइस पता नहीं। सो गुड नाइट एंड गुड मॉर्निंग, सुबह हो चुकी है एंड अभी फिलहाल नोट से पढ़ लेते हैं एंड पर गाइस चलो आज का स्नान करते हैं, सबसे पहले हम जब स्नान लेंगे सबसे पहले हम, आज का दिन भी हो चुका है एंड मैं ऐसे चढ़ूंगा एंड सबसे पहली डाइव इस दिन की, यो लेट्स गो फाइनली, यप गाइस प्रीटी नॉर्मल, मुझे स्विम करना है बिल्कुल, यप ऐसे ना यार, जैसे ही मैं वो खोलता हूँ ना अपना ये बेड, खड़ा हो जाता है मेरा प्लेयर, इट्स व्हाई डू यू खड़ा हो विदाउट माय परमिशन, एक सेकंड आई हैव नॉट सेकंड, अगर मैं ऐसे लगाऊं ये, ओके, अरे नहीं मैं रन स्विम कर रहा ना, ये ऐसे ऐसे एंड इसके नीचे, ओके मैं खड़ा नहीं हो रहा, ओ ब्रो गाइज मैं सिर्फ और सिर्फ यहाँ पर हूँ,
एंड मेरे स्विम करने की एनिमेशन दिखा रहा है अभी भी। ओके वो भाई मैं ड्राउन हो सकता हूँ, मैं क्यों भूल गया, ऑब्वियसली यार मैं ड्राउन तो हो ही सकता हूँ ना। ओके हियर हियर लाइक दिस 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 है ना, ये रहा हमारा बीच प्लैंक। एंड अगर मैं ऐसे करूँ, ये अभी भी मेरा प्लेयर स्विमिंग कर रहा है, वो अलग बात है मैं स्विम नहीं कर रहा पर फिर भी मेरा प्लेयर कर रहा है। ओके ओके फटाफट से भाई ये हार्ट नहीं गया, मैं ऑलमोस्ट ड्राउन होने वाला था। चलो वापस आ जाओ भाई बीच लॉग्स। एंड तो गाइस बाय द वे मज़ा आया, यो लेट्स गो, स्विम करने की एनिमेशन तो ठीक है, नॉट बैड। ओके तो गाइस चलो आज की इस वीडियो के लिए थोड़ा इतना ही रखते हैं। एंड गाइस हमारा मिशन भी पूरा हो चुका है एक स्विमिंग पूल बनाना। एंड गाइस चलो अब मैं मिलूंगी नेक्स्ट वीडियो में, तो तक के लिए बाय बाय एंड लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करिएगा, तो बाय बाय एंड जरूर करिएगा लाइक एंड सब्सक्राइब। इतनी मेहनत किया भाई स्विमिंग पूल।